हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में पलायन को देखते हुए हरियाणा सरकार और प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं वो भी देखिए। सरकार के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने तमाम बॉर्डर को सील कर दिया है। जो गुरुग्राम जिले की बात करें तो गुरुग्राम जिले से सटा जो भी जैसे दिल्ली है या यूपी हो उनकी सीमाओं को बंद कर दिया। जो लोग यहां से पलायन कर रहे थे, जो दूर दराज से आए हुए लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, वो यहाँ से पलायन कर रहे थे। इसको देखते हुए गुरुग्राम में लगभग एक दर्जन से ज़्यादा रिलीफ सेंटर बनाया गया है। हम खड़े हैं गुरुग्राम के शक्ति पार्क में और यहाँ भी रिलीफ सेंटर बनाया गया है। हालांकि जिला प्रशासन के आदेश के बाद, क्योंकि जो दूर दराज से जो मजदूर वर्ग थे जो यहाँ आकर काम कर रहे थे उन लोगों ने अपना पलायन करना शुरू कर दिया था। इसको लेकर गुरुग्राम जो सीमा है, गुरुग्राम जिले की सीमा है, उसको भी सील कर दी गई है और जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे उनको रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। लगभग एक दर्जन से ज़्यादा रिलीफ सेंटर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लगभग 100-150 के आसपास जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको रहने के लिए यहाँ इंतजाम किया गया है, खाने पीने का इंतजाम किया गया है यहाँ। और आज लगभग करीब सुबह लगभग 9 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। हालांकि अभी जो गिने चुने ही मजदूर वर्ग के लोग हैं, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ लगभग सुबह के वक्त कई मजदूर आए थे, उन्होंने खाना खाया, यहीं आराम कर रहे थे। जो जिला प्रशासन ने इनको देखते हुए एक अच्छी पहल की है, हरियाणा सरकार के आदेश के बाद पहल की हुई है और जितने भी मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ आराम कर रहे हैं, खाना खा लिया इन्होंने। और यहाँ दूरी भी आप देख सकते हैं कि लगभग 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पर इन ये लोग बैठे हुए हैं। हालांकि क्या नाम है आपका? मेरे नाम जी चतर सिंह। कहाँ से आए हो? पलवल। पलवल जाना है? पलवल ही जाना था, लेकिन यहाँ काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, फिर अब यहाँ आराम कर रहे हो? ठीक है, हाँ ठीक ठाक। अब तो कोई काम जाने की दिक्कत नहीं, भोजन भी मिल रहा है आराम से, दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, आराम यहाँ मिल रहा है। क्या खाया आज आपने? आज क्या नाम है, अभी मिलेगा 12 बजे करीब मिलेगा, दो रोटी और सब्जी मिलेगी। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस भी यहाँ मेंटेन किया हुआ है, हालांकि कुछ दूर दूर पे लगभग। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हो? हाँ जी। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 10 किलोमीटर है जी। अच्छा, पहले परेशान हो रहे थे आप लोग, अब कितनी अच्छी आप लोगों के लिए पहले? अब बढ़िया है जी। अच्छा, सही है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत ना है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि अब इन्हें गांव जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से लोग पैदल ही 1,000-1,200 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे थे, लेकिन आज भी इन्होंने निकलने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने रोक दिया और इन्हें तुरंत यहाँ जो रिलीफ सेंटर बनाया गया है वहाँ इनको भेजा हुआ है। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी कहाँ से आए हो? मधेपुरा, बिहार। अच्छा, बिहार के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, आज कैसे, अब दिक्कत कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? पहले दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आराम से हो? यहाँ आराम से है, सब कुछ मिल रहा है, खाना बढ़िया मिल रहा है? हाँ जी, सब कुछ। अच्छा, सोने वोने का इंतजाम सब ठीक ठाक है? सोशल जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो यहाँ आए हैं, उन्होंने यहाँ खाना भी खाया और आराम कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो ये जिला प्रशासन ने इनके लिए जो पहल की है उससे ये लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से खबर अभी तक के लिए आलोक उपाध्याय।